हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड कुजीन। आज हम बात करेंगे टर्की सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या टर्की गोल्डन वीज़ा की। इसको शुरू करने से पहले एक मैं आपको न्यूज़ दे देता हूँ जो कि रिलेटेड है पोर्चुगल से। हो सकता है कि पोर्चुगल का सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाए, गवर्नमेंट इसको अनाउंस कर सकती है। तो ये जो है गुड न्यूज़ नहीं है, बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा या सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, तो आपको जल्द से जल्द इसको अप्लाई करना होगा। सो लेट्स सी द ओवरव्यू ऑफ टर्की सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। सो अगेन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीज़ा इज दैट इट हैज़ एन E2 वीज़ा ट्रीटी विद USA। तो ये E2 वीज़ा ट्रीटी विद USA क्या है, इसके बारे में मैं लेटर ऑन आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये जो गोल्डन वीज़ा है या सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है, ये फुल फैमिली के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें सिटीजनशिप जो है वो 3 to 6 months, मतलब 3 से 6 महीने में आपको सिटीजनशिप टर्की की इशू हो जाएगी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2016। It grants residency, citizenship and a Turkish passport to applicants investing either in real estate or bank deposit. तो आपके पास दो ऑप्शन है, रियल इस्टेट या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए या बैंक डिपॉजिट कर दीजिए टर्की में, और आप सिटीजनशिप वहाँ की ले सकते हैं। द रियल इस्टेट रूट इज पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स, मतलब कि जो रियल इस्टेट वाला है वो अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज जो है ये थोड़ा सा चीप भी है और इजीली, मतलब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी परचेज ऑफ मिनिमम ऑफ $4 lakh प्लस फीस, मेकिंग टर्की वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट इमिग्रेशन सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो ये जो है इस प्रॉपर्टी परचेज जो है आप $4 lakh से कर सकते हैं, और ये लोएस्ट कॉस्ट सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। प्रीवियसली इन्वेस्टमेंट अमाउंट वॉज ओरिजिनली सेट एज $1 million, बट इट वॉज रिड्यूस इन सेप्टेम्बर 2018। मतलब कि 2018 से पहले $1 million इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, जो कि घटा के अभी जो है एट प्रेजेंट जो है कम कर दिया गया है। नाउ You can travel 125 visa-free countries on a Turkish passport. आप जो है 125 countries में visa-free travel कर सकते हैं अपने Turkish passport पे। In future, Turkish passport holder may also get visa-free access to the European Union. Currently, talks are ongoing. अभी जो है European Union में visa-free access नहीं है, but in future जो है आप टर्की पासपोर्ट पे यूरोपियन यूनियन में या EU में वीज़ा फ्री एक्सेस आपको वहाँ पे भी मिलेगा। टर्की होल्ड सम गुड ग्लोबल कनेक्शंस, दे हैव अ E2 वीज़ा ट्रीटी विद द USA, विच मीन्स टर्किश सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर US रेजिडेंसी। मतलब कि अगर आपने टर्की की सिटीजनशिप ले ली, तो आप उसके बाद USA का E2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम टर्की। एंड ये जो वीज़ा है E2 वीज़ा, ये 1 lakh to 1.5 lakh US dollars में आपको इन्वेस्टमेंट वीज़ा मिल जाता है, और आप US रेजिडेंसी भी इसके बाद ले सकते हैं। अब देखते हैं कि सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है। रियल इस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है $4 lakh, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अगर आप बैंक डिपॉजिट करते हैं तो आपको करना है $5 lakh। अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको करना है $5 lakh। द एप्लीकेंट मस्ट होल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर मिनिमम 3 years। ये जो इन्वेस्टमेंट है आपको मिनिमम 3 years के लिए होल्ड करने हैं, और ये जो है टर्की सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम है और ईजी है। 3 to 6 months में आपको सिटीजनशिप मिल सकती है अगर आप इसको अप्लाई करते हैं। तो ये था इसका कंप्लीट ओवरव्यू एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी बेनिफिट हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।